कोरोना मरीजों का उपचार करने के लिए निजी अस्पताल सरकार के नियमों की अनदेखी कर अवैध वसूली कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही है। ऐसे में इन अस्पतालों का ऑडिट करने की मांग का ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को सौंपा गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना का उपचार करने के लिए सरकार ने रेट निर्धारित किए हैं, जिसमें जनरल वार्ड प्लस विलगीकरण के लिए एक दिन का चार्ज 4,000 रुपए है, आईसीयू वेंटिलेटर अतिरिक्त प्लस विलगीकरण 7,500 रुपए, साथ ही आईसीयू वेंटिलेटर समेत प्लस विलगीकरण 9,000 रुपए। एक दिन के चार्ज के अनुसार व एक दिन के लिए गए चार्ज में मरीजों को नियमित देखभाल करना, ब्लड व मूत्र की जांच समेत अन्य जांच, सोनोग्राफी, 2D इको, एक्सरे, ईसीजी, मर्यादित छिटपुट दवाई या डॉक्टर्स की जांच, मरीज का बेड चार्ज, नर्स चार्ज, भोजन, नाक में नली डालने समेत अन्य का समावेश है। परंतु मरीजों से शासन द्वारा निर्धारित किए गए दाम की अनदेखी कर लाखों रुपए की वसूली की जा रही है। शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिले के संपूर्ण निजी कोविड अस्पतालों का ऑडिट कर मरीजों की आर्थिक लूट करने वाले निजी अस्पतालों में ब्याज समेत राशि वसूल किए जाने की मांग ज्ञापन में की गई है। ज्ञापन देते समय NSUI तुमसर तहसील अध्यक्ष रोहित बोम्बार्डे, शहर अध्यक्ष केतन साखरगड़े समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।